नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रमोल, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10 यूपी बोर्ड की प्रश्नावली 3.5 लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों बड़ा ही टफ है। टफ नहीं है मतलब थोड़ा सा जो इसका जो सूत्र है यानी जो फार्मूला है बहुत ही उठपटा सा है, यानी किसी को याद जल्दी पड़ता नहीं है यानी जल्दी भूल जाते हैं। दोस्तों इसी को मैं कुछ ट्रिक द्वारा बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को चाहे 5 मिनट का, 10 मिनट का, चाहे जितना भी हो, इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। आज के बाद आप वज्र गुणन विधि द्वारा जो हल करने का जो सिस्टम है उसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे और आपके आज के बाद हमेशा याद रहेगी। दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जो सवाल है, सवाल में बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका अद्वितीय हल नहीं है। यानी कि बोला है आगे कि अद्वितीय हल के स्थिति में वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी कि दोस्तों जो वज्र गुणन विधि हल करने का जो सिस्टम है, यानी कुछ बड़ा सा उठपटा सा इस प्रकार सा जो बोर्ड में दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार का सूत्र है। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ना जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, तो कहने का मतलब इसको कैसे सिंपल से याद रख सकते हैं, कैसे इसको लगा सकते हैं कि कभी ना भूलें। इसलिए दोस्तों आप इसको प्लीज़ छोड़िएगा मत, क्योंकि आज के बाद आप भूलने वाले नहीं हैं। दोस्तों पहले बोला है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि हम लोग को पता कैसे होगा कि किसका हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय होगा तभी तो हम लोग हल करेंगे, तो हम लोग को पता तो होना चाहिए ना कि अद्वितीय कब होगा। अब दोस्तों अगर देखिएगा, यानी कि जो ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है, तो दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे, B1 B2 का अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। यानी जो दोनों बराबर अगर होगा तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा यदि दोनों बराबर होंगे तो। अगर बराबर नहीं होंगे यानी कि A1 अनुपात A2 बराबर नहीं होगा, क्या B1 अनुपात B2 का अगर बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, इसका हल अद्वितीय होगा, इसका हल अद्वितीय होगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को चेक करेंगे कि यानी इसका हल क्या है, अद्वितीय है कि नहीं है, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि हल अद्वितीय होने की स्थिति में ही ज्ञात करना है वज्र गुणन विधि से। तब क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो उसको चेक कर लेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो पहला होता है इसको मानते हैं A1, दूसरे वाले को मानते हैं B1, तीसरे वाले को मानते हैं C1। इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में इसको मानते हैं A2, इसको B2, इसको C2। अब ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद हम लोग चेक करेंगे यानी कि अद्वितीय है कि नहीं है। तब क्या करेंगे, A1 बटे A2, यानी कि A1 का मान कितना है, एक छुपा होता है, एक हो गया, बटे A2 कितना है, 3 है। क्या है, B1 बटे B2, यानी कि B1 कितना है, -3, B2 कितना है, -9, यानी कि -1 प्लस हो गया, 3 एकम 3, 3 3 की 9, क्या है, 1/3 बराबर हो गया किसका, 1/3 का। यानी कि A1 A2 तथा B1 B2 का अनुपात अगर बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, इसका हल कोई हल ही नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो ये इसको हम हल नहीं करेंगे, यानी कि इतना ही पर छोड़ देंगे और आगे लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। अब दोस्तों हम लोग लगाएंगे दूसरा सवाल। पहले दूसरा सवाल का क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि हल इसका है कि नहीं है। अगर हल इसका अद्वितीय होगा तब क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अब चलते हैं दूसरे सवाल में, उसको पहले चेक करके हल करते हैं। अब दोस्तों ये जो सवाल है, हम लोग का दूसरा सवाल है, इसमें दोस्तों पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका जो हल है अद्वितीय है कि नहीं है। अगर अद्वितीय होगा तब हम हल करेंगे। पहला काम ये करते हैं कि आप देख रहे हो समीकरण क्या है, 2x + y = 5 है, तो क्या करेंगे, 5 इस साइड है, अगर इसको बराबर इस साइड यानी कि इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि पहले इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो 8 है बराबर के इस साइड है, तो क्या करेंगे, पहले इस साइड इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पहले और दूसरे को सही कर लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग वही मानेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसका हल अद्वितीय है कि नहीं है। तब क्या होगा, A1 का मान कितना है, 2 है, बटे A2 कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, B1 B2, यानी B1 का मान कितना है, 1 है, B2 कितना है, 2 है। यानी कि ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इसका हल
आदित्य होगा, क्या होगा, आदित्य हल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आदित्य हल है तब क्या करना, हम लोग को बजर गुणन विधि से हल करना है। अब जब करना होता है तब क्या करते हैं, इसका जो सूत्र होता है, कुछ बड़ा सा सूत्र है जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इसको मैं स्क्रीनशॉट करके लगा दिया हूँ। अब दोस्तों है इतना लंबा है कि आदमी को नहीं याद पड़ता ही नहीं कि मतलब पहले क्या है इसके बाद क्या है, इसलिए क्या करते हैं बहुत लोग छोड़ते हैं इस सवाल को। जो सवाल आती है परीक्षा में ये दोस्तों 4 या 6 नंबर का आती है। सो फ्रेंड्स, इसको आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अब दोस्तों इसको करते क्या है, ये हम लोग का सवाल नंबर 2 है, इसको हल कैसे करना है हम लोग पहले चेक कर लिए। ये इसका हल क्या है, आदित्य है। अगर हल आदित्य है तो हम लोग क्या करना है, हल करना है, यानी कि बजर गुणन विधि से। अब क्या होगा, इसका जो ट्रिक है, ट्रिक बताना लिया हूँ, लिखिएगा कि एक्स के नीचे 23, वाई के नीचे 31, वन के नीचे लिखिएगा 12। दोस्तों आप लोग को सिर्फ इतना रखना है, 23, 31, 12, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, यानी कि लिख रहे हैं आपको एक्स के नीचे 23, वाई के नीचे 31, एक के नीचे 12। अब दोस्तों क्या करना है कि हम लोग को मान लेना है इसको 1, इसको 2, इसको 3। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे कि लिखते हैं कि एक्स बट्टा, यानी कि एक्स के नीचे लिखना है 2, का मतलब ये हुआ कि ये वाला 2 यानी कि a1 b1 b2, 3 का मतलब ये हुआ कि c1 c2, यानी क्या लिखेंगे x के कि क्या करना है कि बीच वाला यानी कि दो वाला लाइन कौन सा है, b1 का मान, b2 का मान, यानी कि b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 2, इस साइड कितना है 3 है, यानी कि इसको लिखना है किसका, 3 वाला, यानी कि ये दो 3 वाला है c1 c2, यानी कि इसका -5 -8। अब लिखिएगा बराबर y बटे कितना लिखे हैं हम, 31 लिखे हैं, यानी पहले क्या करना है ये वाला लाइन लिखना है, यानी कि -5 c1 -8। अब क्या करना है, 1 लिखना है, यानी कि a1 a2 2 3। अब क्या करना है बराबर 1 के नीचे क्या लिखना है 12, यानी कि 2 3, और 2 है तो कितना लिखना है b1 b2, यानी कि 1 2। अब दोस्तों करना क्या है कि लिखिएगा आप कि x बटे पहले क्या करते हैं कि इसका गुणा इस साइड कीजिएगा, फिर माइनस लगाएगा, फिर इसका गुणा इस साइड कीजिएगा, यानी कि सबसे पहले इसका करना है इस साइड, इसके बाद इसका करना है सेकेंड में। अब क्या करेंगे, अगर इसका इधर करेंगे तो क्या होगा 8 एकम 8 माइनस में। अब क्या करते हैं, 1 माइनस अपने से लगाते हैं बीच में। अब क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे, कितना होगा 5 × 2 = 10 माइनस में बराबर y बटे, इसका गुणा यहाँ करेंगे कितना होगा 5 × 3 = 15 माइनस में। अब क्या करेंगे, 1 अपने से माइनस लगाते हैं, 8 × 2 = 16 माइनस में बराबर 1 बटे 2 × 4 माइनस अपने से 3 एकम 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। हल कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, नीचे x बटा -8 माइनस माइनस प्लस हो गया होगा 10 बराबर y बटे -15 माइनस माइनस प्लस 16 हो गया होगा बराबर 1 बटे 1 हो गया, यानी 4 × 3 करता हो। अब क्या करना, हम लोग को इस स्थिति में x और y के मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इधर वाला थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों कितना लिखे हैं x बट्टा, ध्यान दीजिएगा प्लस में 10 है माइनस में 8 है, यानी घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा बराबर y बट्टा कितना होगा 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा बराबर कितना है 1 बटा 1। अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग x वाले को और c वाले को एक बार लेंगे बराबर में, क्योंकि x का मान निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे x/2 = 1/1 लेंगे। तब क्या करेंगे, इसका गुणा इधर इसका इधर, यानी कि जब इसका गुणा इधर करेंगे क्या होगा x होगा बराबर कितना होगा 2 एकम 2, ये हमारा x का मान निकल गया। उसी प्रकार से एक बार इसको और इसको लेंगे तो क्या होगा y/1 = 1/1, यानी इसका गुणा इधर क्या होगा y, इसका इधर करेंगे कितना होगा 1/1, यानी कि हम लोग को इस प्रकार से x और y का मान प्राप्त होगा। दोस्तों क्या करना है, सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि x के नीचे 23,
वाई के नीचे 31, एक के नीचे 12। अब क्या करना, जो दो है, दो का मतलब समझिएगा कि जो दूसरा लाइन है पूरा लिख देना है, यानी कि 1 2। 3 का मतलब -5 -8, यानी कि सीधे सीरियल लिख देना है। इसके बाद क्या करना है कि पहले इसका गुणा इधर कराएंगे, माइनस एक अपने से माइनस लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इसका गुणा इधर कराना है। उसी प्रकार सबको करके लास्ट में क्या करना है आपको, एक बार जो एक्स वाला होगा उसको सी के बराबर मानिएगा, वाई वाले को सी के बराबर मानिएगा, तो क्या होगा, इस प्रकार से आपको एक्स और वाई के मान प्राप्त हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी समझ पा रहे हैं इसको। अगर समझ गए हैं तो इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, तो क्या, ताकि मेरी हर वीडियो आपको जरूर मिले